देखिए सरकार तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, चुनाव हुआ सरकार आई। अब जैसी सरकार है वो आप लोग बताते ही रहते हो, आप तो अच्छी बताते हो, बहुत अच्छी है क्योंकि आपको तो नौकरी मिल गई, मगर जो करोड़ों बेरोजगार हैं उनका दुख आपको नहीं दिख रहा है। मैंने अभी तो कहा क्या जरूरत है ताजमहल की, आप बताओ इतना खर्चा होता है उस पर, और फिर ताजमहल के नाम से अगर हिंदू मुसलमान नफरत पैदा हो, आपस में झगड़ा हो, तो ऐसे ताजमहल की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से सरकार काम कर रही है, क्या लगता है आपको 2019 में क्या स्थिति पैदा होगी? भाई जिस तरह पिछला चुनाव जीता मशीनों से, फिर जीत सकते देखिए, हमने किसी विधायक के बयान पर कोई बयान नहीं दिया, और वो इसलिए कि वो खुद अपराधी हैं और गोश्त बेचने वाले हैं, जानवर काटने और गोश्त बेचने वाले, हमारे पास हमारा विभाग था, हमारे पास सारे कागजात हैं उनके। लेकिन हाँ एक आम माहौल आरएसएस के बीच में था बहुत ज़माने से कि शिव मंदिर है, हम कैसे कहते नहीं है। और देखिए बाबरी मस्जिद के ज़रा थोड़ा सा इसे बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, हाई कोर्ट का स्टे था, एकता परिषद का रेजोल्यूशन था, तत्कालीन मुख्यमंत्री का हलफनामा था, एफिडेविट के हम नहीं गिरने देंगे, इसके बाद भी गिर गई। ताज के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी से चलो मैं साथ चलूँगा भाई, ना सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, ना हाई कोर्ट का है, ना एकता परिषद का, ना मुख्यमंत्री का एश्योरेंस है, और ताज की कोई सुरक्षा भी नहीं कुछ है। जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है 2019 के चुनाव के लिए, एक साल उसके लिए ताजमहल का गिरना बहुत जरूरी है। ताजमहल गिरा लेंगे तो 2019 की सरकार बना लेंगे, बिल्कुल मंत्र बता रहा हूँ मैं। अरे मेरा बच्चा बता तो रहा हूँ, मुफ्त में बगैर पैसों के मशवरा दे रहा हूँ बादशाह को। बाबरी मस्जिद गिराई सरकार बन गई, ताजमहल गिराएंगे अगले 20 साल के लिए, हटाने वाला कोई नहीं। हम पहले ताजमहल तो गिरने दो